पंजाब विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। मानसा की पुलिस ने चन्नी और मानसा से कांग्रेस के उम्मीदवार शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार शुक्रवार शाम 6 बजे चुनाव प्रचार की मियाद खत्म हो गई थी, लेकिन चन्नी मानसा में 6 बजे के बाद भी बाजारों में शुभदीप सिंह के पक्ष में डोर टू डोर प्रचार करते दिखे थे। मानसा के रिटर्निंग अफसर को जब इसकी जानकारी मिली तो वे मौके पर पहुंचे। इस बीच चन्नी वहां से जा चुके थे। आम आदमी पार्टी ने इसे मुद्दा बना लिया है। पार्टी के जिला शहरी प्रधान कमल गोयल ने कहा है, शाम 7 बजे के करीब मुझे पता चला कि CM चन्नी और सिद्धू मूसेवाला त्रिवेणी मंदिर के पास सैकड़ों लोगों को इकट्ठा करके एक सभा कर रहे हैं। जब मैंने वहां जाकर देखा तो पाया कि चन्नी वहां लोगों को संबोधित कर रहे थे, सिद्धू मूसेवाला उनके साथ खड़े थे और सैकड़ों लोग वहां मौजूद थे। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए मुख्यमंत्री चन्नी और मौके पर मौजूद सिविल और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों पर मामला दर्ज किया जाए।